हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द फूडी बिहार। गाइस, रात में हम पढ़े थे, मतलब सोते बोते मेरे को 3:30 बज गया था और अभी हम उठे हैं 10 बजे। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, अगर हम लेट नाइट पढ़ लें तो हम अगले दिन का पूरा बैंड बजा देते हैं। उठ गए हैं, उनको पूरे दिन रिग्रेट रहेगा कि अभी तक लेट उठे। हम 8 बजे उठे थे लेकिन हम वापस से सो गए हैं। 8 बजे उठ जाते हैं तो वो ठीक था, बट अब उठ गए हैं, फ्रेश अप होते हैं, नहाएंगे, खाएंगे, पूजा करेंगे, रेडी होंगे। सब कहते कहते हमें क्लास का भी टाइम हो जाएगा। सो, अब जो हो गया है वो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। और रिग्रेट कर करके हम पूरा दिन वेस्ट करें, उससे बेटर है कि आज का डे भी हम कुछ प्रोडक्टिव कर लें। ज्ञान देने लगी हूँ, मैं कितनी होशियार हो गई हूँ। कभी पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगता, नहीं लगता, कभी लगेगा भी नहीं, लगता है। ये रहा सुबह का नाश्ता। गाइस, यहाँ पे हो गया रजिस्टर मेंटेन्ड। हम आ चुके हैं अपने क्लास से और सुबह का एक कचौड़ी बच गया था, वो खा लेते हैं जब तक खाना आएगा, क्योंकि प्लेट धो देंगे तो प्लेट की कमी है। गाइस, खाली प्लेट की कमी है, बहुत कमी है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज। लेकिन इसके पागलपन में कोई कमी नहीं है। गाइस, ये आ गया खाना, चावल, कढ़ी, आलू भुजिया और ये सुबह का सब्जी बचा हुआ था, आलू और चना का। यहाँ आ रही है अंशिका। अंशिका, दिन हम गए थे अंशिका के हॉस्टल, आज अंशिका आई है मेरे हॉस्टल और अपना पगली भी गई है नीचे उसको लाने। नीचे इधर अंशिका आ चुकी है और विराजमान हो चुकी है। आने के साथ मेरे लॉज को 180 गाली दी है गाइस। और यहाँ पे है अपना पगली, गुटखा खाई हुई है गाइस, इसका मुँह देख सकते हैं आप लोग। ये आजकल खैनी खाना स्टार्ट कर दी है, इसके संगत में हमको रहना नहीं पड़ेगा, हमको रूम चेंज करना पड़ेगा बहुत जल्दी, कि हमको भी सिखाती है खैनी खाने के लिए। लेकिन वो तो अच्छा है मेरा संस्कार जो हम इसको मना कर देते हैं और इसको गंदी गंदी गाली दे के भगा देते हैं। अभी हो रहा है रात के 8:30 और हमको भूख लग गया है। आज खाने में आया है आलू का पराठा और चटनी। हम खाना ले लिए हैं क्योंकि अपना सुबह का चावल और कढ़ी बहुत सारा था तो उसको चावल खाना था, तो वो थोड़ी देर बाद खाएगी। हमको बहुत भूख लगा हुआ है और खाना जैसे आ जाता है तो फिर हमको और जोर से भूख लग जाता है, तो हम खाना खा लेते हैं क्राइम पेट्रोल देखते देखते। हम बोलते हैं आज तक मैं ना 11 साल पुराना तक का सारा क्राइम पेट्रोल का एपिसोड्स देख चुके हैं। हम कैसे किसी को काट सकते हैं, मार सकते हैं, दफना सकते हैं, हम सब देख लिए हैं। मतलब 11 साल पुराना जब क्राइम पेट्रोल स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा स्टोरी जैसा ऐसे थोड़ा लिखाता था, थोड़ा बताया जाता था, नैरेट किया जाता था, थोड़ा सा दिखाया जाता था। हम वहाँ से देख रहे हैं, मतलब इधर का सारा एपिसोड जब नया ख़त्म हो गया तो पुराना 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 देखते हुए वहाँ तक पहुँच गए हैं। आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ क्राइम पेट्रोल गाइस, मेरा फेवरेट टाइम पास है। तो अभी मैं एक और नया, अभी नया कुछ सीरीज सिटी क्राइम्स करके स्टार्ट हुआ है तो अभी मैं वो देखूँगी। और गाइस, मेरा खाना हो चुका है और ये देख सकते हैं कि आलू पराठा का जो भी बचा खुचा है वो यहाँ पर आप लोगों को दिख सकता है। देखो गाइस, इस लड़की को देखो, ये रात में चावल खाने बैठी है। ये सुबह जो है ना इतना चावल ले लेती है, 4 लोग का चावल ले लेती है और फिर उसको बचा लेती है और रोज रात में खाती है। कौन जान रहा है, मैं जो बोलूँगी वही ना लोग सुन रहा है, मैं तो झूठी बातें ही बोलूँगी। मेरा काम ही है झूठी बातें करना, मेरा टाइटल जो है वो है रिया झूठी, ठीक है। और अपना का जो है अपना पगली, आई एम रिया झूठी, सी इज अपना पगली। गाइस देख लो, गाइस देख लो, कितना सारा चावल लेके बैठी है खाने, खाती वो है और मेरे शरीर में लग जाता है, इसलिए मैं मोटी होते जा रही हूँ दिन प्रतिदिन, छोटी और मोटी दोनों होते जा रही हूँ मैं। और वो एक नंबर की पगली होते जा रही है, उसका दिमाग दिन प्रतिदिन काम करना बंद होते जा रहा है गाइस, स्लो 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 स्लो। देखो देखो कैसे घूम रही है, देखो देखो, एक दिन उसका दिमाग पूरा कम्प्लीटली जब काम करना बंद कर देगा फिर मैं उसे जब सॉक्स दूंगी। और ये देखो, ये तार मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जब अपना का दिमाग पूरा कम्प्लीटली काम करना बंद होगा तो यही
इसी तार से मैं उसे झटके दूंगी गाइस। गाइस ये यहाँ पे फेस पैक ले लिया गया है, इसमें गाइस छिपकली की पॉटी, जो भी अपना खा रही है गाइस, मैंने गलत टाइम पे बोल दिया लगता है, लेकिन इस छिपकली की पॉटी को वो भी चेहरे पे जरूर लगाएगी। गाइस ये मेरा गंदा सा मिरर, बिल्कुल अपना की मुंह की तरह गंदा। गाइस यहाँ पे मैंने अपने चेहरे पे छिपकली की पॉटी लगा ली और वो लड़की अभी लगा रही है, वो प्रोसेस में है। आप देख सकते हो मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ इसे लगा के, और अपना भी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है इसे लगा के। अपना एक बार इधर देखो, अपना अपना गाइस देखो उसको।